राजधानी जयपुर में अगर आप वाहन लेकर चलाते हैं तो जरा सावधान रहें, क्योंकि सड़क कब आपके लिए कब्र बन जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चोमू हाउस सर्कल के पास अचानक सड़क धस गई और सड़क धसने से गड्ढे में ऑटो गिर गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी की सड़कों पर चलना जरा ध्यान से, वरना हाथ धोना पड़ सकता है जान से। आपने गाना तो सुना होगा, ए भाई साहब जरा देख के, लेकिन जयपुर की सड़क पर देखने वाला कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि यहां किसी को खबर ही नहीं लगी कि ऑटो की कब्र खुद गई। इससे पहले आपने सिर्फ कहावत ही सुनी होगी, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना, और यहां ऑटो के नीचे से जमीन खिसक गई। मंजिल तक पहुंचने से पहले ही पलक झपकते ऑटो सवारी समेत पाताल में चला गया। एक बार ऐसा लगा कि फोन पर गेम खेल रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा लगा कि मानो जमीन सीमेंट मोरंग और बजरी से नहीं बल्कि सत्तू से बनाई गई हो। बिल्कुल हादसा है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और जो ऑटो चालक थे और उसमें जो सवारी थी वो लेडी, उनसे मैं हॉस्पिटल मिलने जाऊंगी और यही है कि इसकी जांच होगी पूरी। जयपुर में सचिवालय से 1 किलोमीटर दूर चोमू हाउस सर्किल पर हुआ यह हादसा बता रहा है कि ठेकेदारों ने इस सड़क को बनवाने में पैसा खाया नहीं बल्कि पैसा डकार गए हैं, क्योंकि अक्सर बारिश के मौसम में सड़कों के धसने की खबरें आती हैं, और यहां तो ना बारिश है, ना भूकंप, ना ही भारी वाहन। एक ऑटो के वजन से सड़क के कंधे धस गए और सड़क पर 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। ऑटो में सवार ऑटो चालक और युवती घायल हो गए। सुरक्षा गार्ड और कुछ ऑटो चालक की मदद से रस्सी से युवती और ऑटो चालक को गड्ढे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद तुरंत दोनों का अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मिलते ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना के कारणों का पता लगाना, कारणों का पता लगा के भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसके लिए अभी नगर निगम के यहाँ अधिकारी खड़े हैं, कमिश्नर खड़े हैं, खुद एक्शन खड़े हैं। मैंने सबको अभी डायरेक्शन दिया है, मंडे को वर्क ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद कभी भी हम काम चालू कर सकते हैं। तो मंडे को वर्क ऑर्डर होने के बाद इस पूरी सीवरेज लाइन को हम 1 करोड़ रुपए खर्च करके नई सीवरेज लाइन डालेंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है और हमने 1 करोड़ रुपए पहले ही सैंक्शन कर रखे हैं, तो इसको जल्दी काम शुरू करें। शहर के जिस चोमू सर्कल पर सड़क धसी वो बेहद व्यस्त सड़क है। यहाँ दिन भर में औसतन 2 पहिया वाहन, कार, बसों समेत 50,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। ऐसे में अगर यह हादसा पीक आवर्स में होता तो भयावह स्थिति हो सकती थी। बहरहाल इससे पहले जुलाई 2017 में इसी सीवर लाइन में लीकेज होने की वजह से सड़क धस गई थी, उस वक्त भी करीब इतना ही बड़ा गड्ढा हो गया था। तब भी नगर निगम जेडीए प्रशासन इस सीवर लाइन को बदलने की बात कर रहा था। ये सीवर लाइन 50 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है, जो अंदर ही अंदर पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, बावजूद इसके अब तक इसे बदला नहीं गया। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।